अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड एंजॉयिंग ऑनलाइन क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर इंग्लिश। सो टुडे वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड लास्ट टाइम वी एंडेड अवर क्लास ऑन दिस लाइन दैट लेट अस टेक जस्ट फोर इंग्लिश वर्ड्स एंड सी हाउ दे वर मेड, एडमिरल, येट, सैंडविच एंड टेलीविजन। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं देख लें, एडमिरल, याट, सैंडविच एंड टेलीविजन। सो यू कैन जस्ट लुक एट योर स्क्रीन एंड देन वी कैन जस्ट मूव अहेड एंड देन टुडे वी विल जस्ट लुक फोर वर्ड्स दैट हाउ दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, हाउ दे हैव बीन इन्वेंटेड एंड हाउ दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो टुडे वी विल डिस्कस दीज थिंग्स। So let's start. Admiral was introduced into England from France in the 15th century. It was then spelled amiral and was derived by the French from a compound Arabic word, amiral bahar, bahar, meaning prince of the sea. Sometime later, certain misguided English scholars looking at this word assumed that it was a corruption of the Latin word admirer, meaning to wonder at, and proceeded to replace, as they thought, the D in the first syllable. So out of this confusion involving three languages, we have the present word admiral, admiral. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एडमिरल का वर्ड, एडमिरल जो है इसका मतलब क्या होता है। ये नेवी के अंदर एक ऑफिसर होता है हाई रैंक पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडमिरल। ठीक है, अच्छा ये कहते हैं कि भाई ये जो वर्ड है एडमिरल, ये कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये कहाँ से आया था, ये फ्रांस से आया, ये वर्ड फ्रांस से लिया गया। ठीक है, 15th century की बात है, फ्रांस से ये वर्ड लिया गया है, और फिर इसको किस तरह से स्पेल किया गया था, इसका डी हटा दिया गया। ठीक है, एंड वॉज ड्राइव बाय द फ्रेंच, और फिर क्या हुआ, और फिर फ्रेंच से ड्राइव हुआ ये फ्रॉम अ कंपाउंड अरबिक वर्ड। ठीक है, फ्रेंच से ड्राइव हुआ, फ्रेंच से निकला है, और उसका क्या है, कंपाउंड अरबिक वर्ड अमिरल बहार, फ्रॉम अ कंपाउंड, और कंपाउंड अरबिक वर्ड से भी लिया गया है अमिरल बहार, इसका क्या मतलब है, प्रिंस ऑफ द सी, समंदर का प्रिंस, शहजादा। ठीक है, और फिर बाद में जो है कुछ इंग्लिश स्कॉलर्स थे जो मिसगाइड हो गए थे कि भाई ये वर्ड तो लैटिन है, ये लैटिन वर्ड है, और ये करप्शन हुई है, ये वर्ड लैटिन से उन्होंने ऐसा कैसा ले लिया और अपना नाम दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, लैटिन वर्ड तो ये था, देखिए आपको दिख रहा होगा ADMIRARE, एडमायरर, एडमायरर, तो मीनिंग टू वंडर इट एंड, और फिर क्या, वो इंग्लिश स्कॉलर्स जो थे वो सोच रहे थे कि हम इस वर्ड को रिप्लेस कर दें। ठीक है, जो डी है, एज दे थॉट द डी इन द फर्स्ट सिलेबल, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल के अंदर आपको डी दिख रहा होगा, डी। सो फिर क्या हुआ, आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन इन्वॉल्विंग थ्री लैंग्वेजेस वी हैव द प्रेजेंट वर्ड एडमिरल। ठीक है, तीन लैंग्वेजेस में जो भी कन्फ्यूजन थी, तो फाइनली जो वर्ड आ गया वो क्या आ गया, एडमिरल, इस तरह से ये वर्ड आ गया। अब आते हैं याट, याट, सबसे पहले आप समझेंगे याट है क्या, YACHT, याट का क्या मतलब है, याट का मतलब है कोई ऐसी लार्ज बोट, कश्ती, जिसमें पर्दा वर्दा लगा हुआ होता है, मतलब ऊपर की साइड आपने देखा हो यूं बिल्कुल तिकोने के अंदर उसमें एक पर्दा लगा हुआ होता है, और कश्ती होती है एक लार्ज, उसमें मशीन भी लगी हुई होती है, मोटर से चलती है। ठीक है, तो ये याट जो है वो डच वर्ड है, डच एक लैंग्वेज होती है, ये भी डच वर्ड है, सही, याट इज़ अ डच वर्ड विच अकाउंट्स, अच्छा याट जो है वो डच वर्ड है। अच्छा ये जो स्पेलिंग, ये जो फर्स्ट याट जो है वो किसने दिया था, डच ऑफ द फर्स्ट याट वॉज गिवन बाय द डच टू किंग चार्ल्स टू एज द वेडिंग प्रेजेंट इन 1662। अच्छा याट जो है वो किसने दिया था, डच ने दिया था किसको, किंग चार्ल्स टू को एज अ वेडिंग प्रेजेंट, मतलब शादी का गिफ्ट दिया था, याट दिया था उसको। ठीक है, 1662 की बात है, और जो ये जो नाम है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये डच वर्ड से हुआ है। ठीक है, एंड और फ्रॉम द डच वर्ड फॉर हंटिंग एंड याट्स वर्ड सो नेम्ड फॉर देयर
स्पीड, सही। अच्छा ये वर्ड कहाँ से यूज हुआ, कहाँ से ड्राइव हुआ है? डच वर्ड से हुआ है, क्यों? ये हंटिंग के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो ये देखते हुए उन्होंने देखा कि उनकी उसकी स्पीड देखी तो यार्ड उसका नाम रख दिया, कश्ती की स्पीड भी तेज होती है, ठीक है, तो उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, यार्ड रख दिया। अच्छा और इसी तरह के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, सही है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नॉटिकल वर्ड्स हैं जो कनेक्टेड विद, जो कि नॉटिकल वर्ड्स हैं। नॉटिकल वर्ड्स क्या होते हैं? नॉटिकल वर्ड्स वो होते हैं जो जैसे कि शिप्स हो गई, शिप्स, जहाज, बोट, कश्तियाँ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये नॉटिकल वर्ड्स कहलाते हैं। और ये भी कहाँ से लिए गए हैं? ये भी डच लैंग्वेज से ज़्यादातर ये आए हैं, ठीक है। अच्छा और म्यूज़िक के और पेंटिंग के जो वर्ड्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? वो इटेलियन से आए हैं, ठीक है, इटेलियन लैंग्वेज से लिए। अब आ जाते हैं सैंडविच। सैंडविच से तो आप बहुत ही फेमिलियर होंगे, सैंडविच, जैसे कि आप सैंडविच खाते हैं बाहर, आपने देखा होगा, आपने खाया भी होगा सैंडविच, यू मस्ट हैव ईटन अ सैंडविच, सही। सैंडविच क्या है? विच इज़ नाउ नो लॉन्गर अ प्योरली इंग्लिश वर्ड बट ऑलमोस्ट इंटरनेशनल, कम्स फ्रॉम द फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच, हु इन्वेंटेड दिस वर्ड, दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ क्विक मील सो दैट ही कुड गो ऑन गैम्बलिंग ऑल थ्रू द नाइट विदाउट स्टॉपिंग फॉर डिनर। मेनी नेम्स ऑफ थिंग्स आर इन फैक्ट टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ देयर फर्स्ट इन्वेंटर्स, एग्जाम्पल द इलेक्ट्रिकल टर्म्स वॉट एंड वॉल्ट। तो सैंडविच देखें, ये बोला गया अब ये जो है ये प्रॉपरली प्योर इंग्लिश नहीं है, प्योर इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, ये ऑलमोस्ट इंटरनेशनल है। और ये कहाँ से आया? एक किंग था, अर्ल ऑफ सैंडविच, उसका नाम था अर्ल ऑफ सैंडविच था, उसने ये टर्म जो है वो ईजाद की थी, क्योंकि वो जब भी जुआ खेलता था तो वो क्विक मील जो है जल्दी जल्दी खाया करता था। अब आप सैंडविच जो है वो जल्दी जल्दी खा सकते हैं, सही है, तो क्विक मील मतलब जल्दी जल्दी वाला खाना आप जल्दी जल्दी खा सकते हैं जिसको, तो ये अर्ल ऑफ सैंडविच जो है वो इसी ने जो है ये टर्म ईजाद की थी, सही है। फिर ये क्या करता था, ये जल्दी जल्दी क्योंकि ये जुआ ज़्यादा खेलता था तो इसके पास खाने का टाइम हुआ नहीं करता था, तो ये बस ऐसे ही ब्रेड के पीस रखता था बीच में, ऊपर किसी बीच में कुछ रख लेता था और वो खा लेता था जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा इसी तरह से आ जाते हैं हम टेलीविज़न पे। टेलीविज़न देखें, आपको पता है टेलीविज़न इज़ अ टिपिकल ऑफ मेनी न्यू साइंटिफिक वर्ड्स विच आर डेलिबरेटली इन्वेंटेड फ्रॉम ओल्ड ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स। इन दिस केस द प्रीफिक्स टेली इज़ ग्रीक एंड मीन्स फार ऑफ टेलीफोन टेलीग्राम, while the root vision is derived from the Latin word meaning to see। देखिए टेलीविज़न, आपने टेलीविज़न जो है ग्रीक वर्ड भी है और लैटिन भी है। जो टेली है वो क्या है, टेली जो है ग्रीक से लिया गया है जिसका मतलब होता है दूर, और जो हमारे पास विजन है वो कहाँ से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है टेलीविज़न, सही, दूर से देखने वाला टेलीविज़न। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। So these were four words which you have understood that how they came and from which language they came. So see you in the next class. Now we have completed our chapter, the English language. Now next time we will move towards another chapter. See you in the next class. Allah Hafiz.